सोशल मीडिया पे ये खबर तैर रही है कि दिल्ली के जफर महल के अंदर मौजूद मुगल बादशाहों से जुड़ी हुई जो मज़ार है उसकी दीवार को, उसकी जाली को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। आपको जान के हैरत होगी कि जफर महल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास कोई भी नई चीज़ नहीं बन सकती है, लेकिन बनना तो दूर, यहाँ तक कि अब लोग अंदर घुस के भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा खुद भी यहाँ का एक ज़ाती तजुर्बा है। यानी जब टीम हेरिटेज टाइम्स पहुँची थी जफर महल आज से 9 महीना पहले, तो किस तरह इस टीम से जुड़े हुए लोगों को वहाँ अंदर कुछ लोगों ने बंद कर दिया था। ये कोई बाहरी लोग नहीं होते हैं जो लोगों को तंग करते हैं, बल्कि उसी मोहल्ले में, उसी आसपास के अतराफ में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे उसमें हमारा तजुर्बा यह था कि हम शाम की वक्त वहाँ पर पहुँचे और हम अंदर जफर महल गए। वहाँ पे हमने उन मुग़ल बादशाहों के मज़ार देखे जो अपने आखिरी दौर में, यानी मुग़ल सल्तनत के आखिरी दौर में वो सारे लोग वहाँ पर दफन हुए हैं, जिसमें अकबर शाह, जिसमें शाह आलम, शाह जफर, ये सारे जैसे बादशाह हैं। और उसी जगह एक वो भी मज़ार मौजूद है जहाँ पे आखिरी मुग़ल बादशाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति को लीड किया था, उनकी भी सिंपॉलिक मज़ार मौजूद है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ दफन हों, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें 1857 के बाद रंगून भेज दिया और उनका इंतकाल वहीं हुआ और वो वहीं दफन है। तो हम गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन के वास्ते, हमने वहाँ पे एक स्टोरी भी की। और जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो गेट बंद था, यानी हम जफर महल के अंदर थे और बाहर से गेट लॉक था। तो असल मामला ये है कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे एक गार्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद असल खेल शुरू होता है। अब हम अंदर थे तो कुछ बच्चे, जिनकी बहुत कम उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र उनकी हो नहीं रही थी, नाबालिग ही थे ये सारे लोग, उनका एक पूरा ग्रुप था जो ये कह रहा था कि अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको पैसा देना होगा, या फिर आपको हम इस छज्जे से निकलवा देते हैं या उस छज्जे से छलांग लगवा देते हैं। तो बहुत मिन्नत करने के बाद, एक आध घंटा वक्त गुजारने के बाद, और जैसे ही जैसे मगरिब होती है और अंधेरा होते जाता है, तो उसके बाद उनकी बदमाशी और बड़े लेवल पर शुरू होती है। उसके बाद वो आपसे पैसे लेते हैं और पैसे लेके वो आपको उसी गेट से वापस निकालते हैं जो गेट बंद था। यानी वो उस तरह से उसको तार से और अलग अलग चीज़ों से उसे बांध कर रखते हैं जिस तरह से इंसान बहुत कन्फ्यूज हो जाए, बहुत डर जाए, और वो पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। ये एक पूरा नेक्सस है जो लगातार वहाँ पर काम कर रहा है, और इस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा इतराफ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी इस मॉन्यूमेंट को बचाने की जगह खुद इसको इंक्रोच कर रहे हैं, यानी उन लोगों ने वहाँ पर इतराफ पे कब्ज़ा ही कर रखा है। तो ये जो जफर महल है, ये मेहरौली का इलाका है, बहुत ही पुराना इलाका है दिल्ली का, खास के दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई है वो इसी इलाके से हुई है, यानी मेहरौली का इलाका। यहीं पे एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम हज़रत बख्तियार कुतुब काकी रहमतुल्लाह अलैह है, उन्हीं की निस्बत से लोग वहाँ पर जाते हैं। और इसी निस्बत से बहादुर शाह जफर भी चाहते थे कि अपने पीर के बगल में, उनके दामन में दफन हो। तो वहाँ पे एक कदीमी पुरानी मस्जिद भी है और बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है जो अलग अलग दौर में अलग अलग बादशाहों ने बनवाया है, लेकिन देख रेख की कमी की वजह कर वो सारा स्ट्रक्चर दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। बीच में ये बात उठी थी कि इन स्ट्रक्चर को मरम्मत कर, अच्छा कर, इसे म्यूज़ियम की शक्ल दी जाएगी, लेकिन आज तक इसे म्यूज़ियम की शक्ल ना दी जा सकी। उल्टे अब वहाँ मौजूद वो लोग जो वहाँ पर बैठ के नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उन लोगों ने मज़ार के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचा दिया, जो एक नहायत ही अफसोस की बात है। तो ज़रूरत है लोग इसमें आगे आएं, सरकार के ऊपर, ASI के ऊपर दबाव डालें कि वो इन मॉन्यूमेंट्स को, जो भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, उसकी हिफाजत करें और उसे बचाएं, और इस तरह के असामाजिक तत्व जो लगातार हमारे हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर नकेल कसे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा एक मॉन्यूमेंट, हमारी एक धरोहर बर्बाद होने से बच सके।